गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम इक्ता और फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ आज आपके सामने मीशो विंटर वेयर हॉल। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी कि मैम मीशो विंटर हॉल दिखाओ। टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था मीशो से, सिर्फ नाइट सूट के अलावा जो कि मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में भी और आगे चल के भी दिखाऊंगी। बाकी सब तो मुझे एवं ही चीज़ें लग रही थी, लेकिन आप लोग बोल रहे थे स्वेटर दिखाओ स्वेटशर्ट दिखाओ, तो मैंने बहुत सर्च करा और उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, थोड़े मिक्स रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप वीडियो में देख लेना मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ होंगे कि मुझे क्या फ़ील हुआ इन चीज़ों को लेके। एंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो हैं बता देती हूँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मीशो से इतनी अच्छी क्वालिटी विंटर वेयर में, बट स्टिल आए हैं तो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। एंड चलिए सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर चेक कर लें आप। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आइटम मैं दिखा रही हूँ गाइस एक स्वेट शर्ट, जिसने कि मुझे काफ़ी शॉक किया इसके प्राइस के हिसाब से। मुझे लगा था जैसे ही मैं देख रही हूँ वैसे तो आएगी नहीं, बट गाइस मैं रॉन्ग थी और बिल्कुल वैसे ही स्वेट शर्ट आई। दिस इज दी स्वेट शर्ट गाइज, जिसपे कि आपको लिखा हुआ मिलता है फर्स्ट आई नीड कॉफ़ी। एंड सीरियसली मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि ये अंडर 300 मुझे मिली है स्वेट शर्ट। इतनी सस्ती स्वेट शर्ट तो गाइस सरोजी नगर में ही मिल सकती हैं, लेकिन मीशो पे मिलना बहुत बड़ी बात थी। सो दिस इज़ ब्लैक कलर स्वेट शर्ट और इसमें पॉकेट्स वगैरह तो नहीं है, हुडी भी नहीं है, लेकिन इसके फैब्रिक की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा वाला इन्होंने फ्लीस मटीरियल दिया हुआ है। मुझे लगा था स्वेट शर्ट आएगी तो एवें कॉटन का कपड़ा होगा, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, बट लुक एट द फैब्रिक गाइज, अंदर से इन लोगों ने फ्लीस दिया है। फैब्रिक की बात करूँ ऊपर वाले तो वैसे तो कॉटन है, लेकिन आई कैन फील कि क्वालिटी ओके ओके है, ये नहीं बोल सकते काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अंदर वाला जो फैब्रिक है जो कि होना भी चाहिए काफ़ी वॉर्म है। एंड प्लस इस पर जो ये सामने की तरफ लिखा हुआ है वाइट कलर में, ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है गाइस इस स्वेटशर्ट को ले लेना इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। आई डोंट नो कि ये वीडियो कब जाएगी लाइव, लेकिन लाइव जाते ही आप चेक कर लेना इस स्वेटशर्ट को, क्योंकि बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं ऐसी चीज़ें मीशो पे। नेक्स्ट आई हैव इज दिस वेरी वेरी क्यूट नाइट सूट। लुक एट दिस कलर, सबसे पहले तो कैन वी अप्रिशिएट द कलर, बहुत ही लाइट लेवेंडर कलर में, ओह माय गॉड, इतना क्यूट नाइट सूट मुझे मीशो पर मिला, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका अपर पोर्शन जो कि है ऐसा कुछ, इस पर बनी प्रिंट हुआ है, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड इसका वही वो जो ब्लैंकेट वाले फैब्रिक नहीं आते उसी में ये नाइट सूट है गाइस। आई लिव इन दीज टाइप ऑफ नाइट सूट इन विंटर्स, मैं इनके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ, इसलिए तो मैंने मीशो से 3-4 तो खरीद ही लिए हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लो। इसकी स्लीव्स पे भी आपको ऐसा बहुत ही क्यूट क्यूट बनी मिल जाएगा। थोड़ा सा मुझे एक साइज छोटा लगा अपने लिए, वैसे तो मीडियम साइज का है। अच्छा, इसमें ज़्यादा साइज भी अवेलेबल नहीं थे, 2 साइज ही अवेलेबल थे, आई डोंट नो क्या दिक्कत है, लेकिन और भी साइज होने चाहिए थे। वैसे तो मैं मीडियम साइज ही लेती हूँ नाइट सूट में, बट ये हल्का सा छोटा आ रहा था इन केस यू वांट टू नो। अब इसके लोअर की बात करें तो अगेन क्यूट क्यूट बनी बने हुए हैं पूरे लोअर पे। क्वालिटी की बात करूँ इसके फैब्रिक की, अच्छा सब लोग पूछते हैं कि धुलने के बाद ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा इसका फैब्रिक और लाइट तो नहीं पड़ जाएगा, हल्का तो नहीं है, तो आई मस्ट से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इतना सस्ता भी नहीं लिया है मैंने गाइस, लेकिन दोनों चीज़ें इस प्राइस पर मिलना काफ़ी डिसेंट डील थी एंड आप ले सकते हो आराम से। मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन अगर आप लोगे कोई भी नाइट सूट तो मीशो से सस्ता आपको ऐसे वाले फर वाले फैब्रिक में मिल जाएंगे, लेकिन मीशो पर मिल जाते हैं एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं से भी कटा फिटा कुछ भी नहीं निकला। मैंने ये बहुत बारीकी से चेक किए हैं नाइट सूट, लेकिन कुछ भी नहीं था, कुछ डिफेक्टिव पीस नहीं आया। अगर आता है तो आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल न्यू था। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस, ले लो इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। विंटर वेयर की बात हो रही है और मैं आपको वेलवेट का कुछ ना दिखाऊँ ऐसा होगा नहीं, सो मैंने मीशो से ली है एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। जी हाँ, ड्रेस वेलवेट ड्रेस, एंड ये आप बर्थडे में
पहन सकते हो अगर आपका सर्दियों में बर्थडे आता है ना, आसपास दिसंबर जनवरी, तो उसके लिए आप ये वाली ड्रेस पहन सकते हो गाइस। नीचे थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन आप इसके अंदर जो वॉर्म लेगिंग्स होती है ना वो पहन सकते हैं आराम से, एक बेल्ट वगैरह डालो, क्या मस्त आउटफिट लगेगा। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, वेलवेट मटेरियल है एंड आपको थोड़ा बोहेमियन पैटर्न मिलेगा इसके नेक पे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये डोरी भी मिलती है जो कि काफ़ी बोहेमियन वाइब दे रही है इस वाली ड्रेस को। मैंने पहनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। 3-4 स्लीव्स हैं इसकी एंड ऐसे ए लाइन ड्रेस है, काफ़ी सुंदर लग रही थी ये ड्रेस पहन के। तो आई मस्ट से कि आपको ले लेनी चाहिए, बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। इसमें 3 कलर्स अवेलेबल थे आई थिंक, आप चेक कर लेना। मैंने ये वाइन कलर लिया और बहुत प्रिटी लग रहा था ये। आप इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं, गर्मी में आप विदाउट लेगिंग्स स्टॉकिंग स्टाइल कर सकते हैं, वैसे आप सर्दियों में स्टाइल करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो वेलवेट वाला है तो आपको गर्मी भी देगा। नेक्स्ट आइटम लिया है मैंने मीशो से अगेन एक स्वेट शर्ट, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी सर्दियों के मामले में। वैसे तो मैंने विंटर का ही सोच के ली थी ये वाली स्वेट शर्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैं इस स्वेट शर्ट की बात करती हूँ। इस पे कि आपको ये किटी बनी हुई मिल जाती है एंड आपको ऐसे पॉज का प्रिंट भी मिल जाता है। पिंक कलर है इसका, बट ऐसा पिंक कलर नहीं है जो कि जो डिसेंट लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ये कलर पसंद नहीं आता, बेबी पिंक कलर है बट देखने में हल्का सा चीप लग रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से ये डोरीज, तो ये बिल्कुल देखने में ही एक तो सस्ता प्रोडक्ट लग रहा है, वैसे तो सस्ता ही है अंडर 300, लेकिन देखने में एटलीस्ट ठीक होना चाहिए। प्लस ये वैसे हुडी है, आपको सामने की तरफ ऐसे पॉकेट्स मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे इसकी खास बात मैं बताती हूँ, इसके अंदर कुछ भी ऐसा फैब्रिक नहीं है जो कि आपको गर्मी दे सर्दियों के टाइम में। इवन ये कॉटन भी नहीं है, आई डोंट नो क्या फैब्रिक है इसका, बट बहुत ठंडा ठंडा फैब्रिक लग रहा है। बट आई विल नॉट सजेस्ट दिस स्वेट शर्ट, क्योंकि ये सर्दियों में बिल्कुल काम नहीं आएगी आपके, और आप चाहे तो रख दोगे और मैं आपके पैसे वेस्ट क्यों करवाऊँ, ठीक है? तो इसलिए मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड, ये वाली मत खरीदना। क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है इसकी, मैं भी रिटर्न कर दूंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा फेवरेट है एंड मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगी। ये है नाइट सूट बाय द वे। तो मैंने आपको बोला था कि मीशो पे नाइट सूट का तो कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के नाइट सूट मिल रहे हैं मीशो पे, लेकिन बहुत ही सस्ते सस्ते दामों में। सो दिस इज़ दी नाइट सूट गाइस। इसका जो कलर है ना, ये आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ब्लश पिंक बोलते हैं, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दिस इज़ दी नाइट सूट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी पहली रील जिसपे कि 1 मिलियन क्रॉस हुए हैं इंस्टाग्राम पे, वो इसी नाइट सूट के ऊपर थी जो मैंने बनाई थी। एंड मैंने सच में सोचा भी नहीं था मैंने कि ये नाइट सूट पे मैं कोई रील डालूंगी और वो 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। तो आई एम सो ग्रेटफुल, पहली बात तो कि इतने लोगों ने उस रील को प्यार दिया। लेकिन ये नाइट सूट भी बहुत अच्छा है अपने आप में, मतलब इसकी क्वालिटी अलग ही लेवल की है, जो मैंने दिखाया था ना उससे भी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसका साइज़ मुझे प्रॉपर लगा, आई थिंक एक साइज़ अब भी लिया था मैंने। दिस इज़ दी लोअर, इसमें कुछ इतना खास वो चीज़ है नहीं, हल्की सी इलास्टिक आपको मिलेगी नीचे की साइड, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने में। मुझे सर्दियों में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते, कंफर्टेबल हों, और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैंने ब्लैंकेट ही पहना हुआ है इसको पहनने के बाद। एंड यहाँ पे आपको एक कुछ लिखा हुआ मिल जाता है एंड इसका जो अपर पोर्शन है वो है ये, जिसपे कि आपको सेम वो वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड यू कैन सी कि ये थोड़ा सा बड़ा है, बट बड़ा है तो और अच्छी बात है, विंटर वेयर मुझे ऐसे ही पसंद है। पूरा अच्छी तरीके से आ रहा था ये, एक बार धुल भी चुका है तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसके फैब्रिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ये ना अंडर 500 मुझे पड़ा था, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि अंडर 500 आपको पूरा नाइट सूट मिल रहा है, इसीलिए
वो जो मैंने नाइट सूट दिखाया था ना, उसका फैब्रिक और इसके फैब्रिक में 19-20 का फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन 19-20 का फ़र्क है। ये थोड़ा सा हल्का है, वो थोड़ा सा यू नो हैवी है, लेकिन उसके हिसाब से भी मैं देखूँ ना तो काफ़ी अच्छा नाइट सूट है ये। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस। इसमें और भी कलर्स थे, आप चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ हम करते हैं इस हॉल को ख़त्म, और सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक कर लेना आप। ये वीडियो अच्छे लगे हो, थोड़े से हेल्पफुल रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।